हाँ देखिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ आपको, जो है मेरे जो वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पर। इसमें एग्जांपल 3 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको समझ लीजिए। यहाँ लिखा कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी। ये ट्राइंगल यहाँ पर लिखा हुआ है सी फिगर, यानी ये बन के आएगा। ये आपको ये वाला अगर क्वेश्चन पेपर में देंगे तो ये ट्राइंगल आपका बन के आएगा। ठीक है, बना हुआ होगा। तो यहाँ लिखा है ए सी बी, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, राइट एंगल का मीनिंग होता है 90 डिग्री का एंगल। तो इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ये लिखा ही है यहाँ पे, और बी सी इज इक्वल टू 21 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। ए बी सी जो एंगल है ये थीटा है, थीटा एक सिंबल है। ठीक है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, ये दोनों आपको पूछे हैं, एक ये इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है और इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी ए सी की, तो इसके लिए हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। ये जो ए सी बी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो बाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, देखिए ये हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, एच मीन्स हाइपोटन्यूज हो गया, ये हाइपोटन्यूज, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर एंगल यहाँ है तो यही बेस रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इनकी वैल्यूज पता कर ले पहले, सॉरी ये पता करना है हमको ए सी, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर ही रहे हैं। तो एच कितना है 29, 29 का स्क्वायर इजकल टू बी, बेस बीस कितना है 21 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है ए सी, ए सी हमें पता करना है। तो 21 को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू, इससे थोड़ा जल्दी आसानी से हल हो जाएगा, ज़्यादा इंटू नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए तो इसमें ए स्क्वायर, ए मीन्स देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, काफ़ी यूज होता है, सबको याद होगा। ठीक है, तो देखो ए की जगह 29, बी की जगह 21 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मीन्स क्या हो जाएगा, 29 प्लस 21, और ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, 29 माइनस 21। अब आपको देखिए इससे थोड़ा सरलता रहेगी फॉर्मूला यूज करने से, क्या सरलता रहेगी, इनको ऐड कर लो, 50 आ गया इंटू, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो इंटू मान लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा 8। ठीक है ना, इजकल टू ए सी स्क्वायर, तो 8 5 जा 40, और ये 0 पहले से ये 400 हो गया, तो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट में आ जाती है वैल्यू। तो ए सी इजकल टू, अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 × 20 400 होता है, ऐसा स्क्वायर रूट तो सभी बच्चे लगभग जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखिए ए सी वैल्यू हमें मिल गई, अब हमको कॉस और साइन इन दोनों की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे इसका रोल आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, इतना तो सबको पता ही होगा। यहाँ लिखते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का चलता है। ठीक है, तो चलिए अब कॉस की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, तो बी अपॉन एच, बी बेस कितना है, देखिए ये बेस है, ये हाइपोटन्यूज है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस कितना है 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 अपॉन हाइपोटन्यूज कितना है, एच कितना है 29। अब इसके बाद साइन की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए, साइन थीटा, साइन की देखिए क्या आएगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी कितना है, पी है 20 और एच एच है 29। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 21/29 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस साइन की वैल्यू कितनी है, 20/29, इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 21 का जो स्क्वायर है 21, 21 × 21 अगर आप करेंगे तो 441 आएगा, और 29 × 29 करेंगे तो 841 आएगा। दो बार इंटू करेंगे 29 × 29 का ये आ जाएगा, प्लस 20 का दो बार इंटू करेंगे 400 आएगा, और 29 का तो यही आएगा 841। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम दोनों का सेम है, जब एलसीएम सेम है तो फिर इन दोनों को सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, 441 + 400। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 841/, ये 841 यहाँ भी है तो ये 1 बार कैंसिल होगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट वाले की वो 1 आएगी। ठीक है, अब सेकंड वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है इनकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं हम इधर, यहाँ से लिख देते हैं, चलिए यहाँ से। ठीक है, कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू कितनी है, 21/29, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 20/29, 20/29 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 441, और इसके स्क्वायर करेंगे 29 × 29 लिखेंगे तो 841 आएगा। 20 का कितना आएगा देखिए, 400, और यहाँ 29 का तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम सेम है दोनों का, तो हम इसमें से सीधे इसको माइनस कर देंगे, तो 841 और 441 − 400, तो 400 माइनस करेंगे तो 41/841, इससे ज़्यादा सॉल्व इसमें नहीं हो पाएगा, यहीं तक आंसर है इसका। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल 3 इस तरह से आप सॉल्व करेंगे।